खाद्य विभाग टीम ने अवैध रूप से संचालित हो रही शिवाक्ष बर्फ फैक्ट्री का निरीक्षण किया। टीम ने फैक्ट्री से गुणवत्ताहीन सैक्रीन के साथ कुल्फी में मिलाने वाले घटिया क्वालिटी का रंग जब्त किया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील कर दिया। यह शिवाक्ष बर्फ फैक्ट्री डिंडोरी के साकेत नगर में संचालित हो रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने जब वहां मौजूदा कर्मचारियों से फैक्ट्री मालिक के बारे में पूछा तो कर्मचारियों ने यह कहते पल्ला झाड़ दिया कि उन्हें फैक्ट्री मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीम ने फैक्ट्री से गुणवत्ताहीन सैक्रीन के साथ घटिया क्वालिटी का कुल्फी बनाने वाला रंग जब्त किया है। वहीं बर्फ फैक्ट्री संचालन के कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया। खाद्य विभाग अधिकारी प्रतिभा सिंह टेकाम ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बर्फ फैक्ट्रियों में अपन को जांच करनी थी, जहां पर दो तरह के बर्फ बनाए जाते हैं, कमर्शियल यूज के लिए और एक अपने डोमेस्टिक यूज के लिए। तो उसके संबंध में ही उसी को लेकर के हमने यहाँ पे नवदा फुल पार मुड़की रोड पर आपके शिवाक्ष बर्फ फैक्ट्री में निरीक्षण और जांच की कार्रवाई की, जहां मौके पर प्रमाइसिस भी बहुत छोटा पाया गया और उसी में बर्फ बनाने का कार्य किया जा रहा था। और निरीक्षण के दौरान वहां पर आइस कैंडी का भी निर्माण किया जा रहा था। उस आइस कैंडी में जिस रंग का उपयोग किया जा रहा था वह जबलपुर से लाना बताया गया है और वो लाइसेंस मिला हुआ है उस रंग को। नंदिनी ब्रांड का कलर है जिसे यूज किया जा रहा है आइस कैंडी बनाने में। और उस आइस कैंडी के लिए सुक्रोज और 4 पैकेट सैक्रीन के मिले हुए हैं, जिसे मिला करके आइसक्रीम तैयार किया जा रहा था। और पूछने पर आइस फैक्ट्री के मालिक नहीं पाए गए मौके पर, 2 कर्मचारी पाए गए हैं जो पूरी फैक्ट्री को चला रहे थे और जैसा वहाँ से निर्देश मिलता था फैक्ट्री मालिक से वैसा लोग यहाँ काम कर रहे थे। तो इस दौरान सैक्रीन को जब्त कर लिया गया है और चूंकि मालिक यहाँ उपस्थित नहीं है मौके पर, इसलिए फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। इस उद्देश्य से क्योंकि इसका लाइसेंस भी नहीं था, तो बिना लाइसेंस संचालित करने के उसमें और दूसरा सैक्रीन यूज करते हुए पाए जाने पर फैक्ट्री सील कर दी गई है। और ये जो प्रकरण तैयार करके श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।